ऑफ हो गया था लास्ट में, बैटरी लो हो गई थी ना, तो मैं पूरी ठीक है क्लास नहीं जी, ले पाई थी ओके जी, ओके ओके। अमिता जी। जी आप बताएंगे। जी सर, सर पित्त जो होती है तब धातु से बना हुआ है, जो कि इसका मतलब होता है जो शरीर में ताप या गर्मी उत्पन्न करे वह पित्त कहलाता है, कहने का मतलब। और पित्त जो है एंजाइम और हार्मोन्स का नियमन करता है सर। ठीक है जी, और पित्त के आप दो दशा बताए थे, पक्वदशा और पक्वदशा। जो पक्वदशा वो है जिसमें उसका जो स्वाद स्वाद बताए थे सर आप, जैसे पक्वदशा का जो स्वाद होती है तिक्त होती है, उसका रंग पीला होता है, ये बताए थे। और अपक्व जो दशा होती है उसका जो स्वाद होती है खट्टा होता है, और उसका रंग जो है नीला होती है। ठीक है जी, और पित्त के पांच बस प्रकार, बस बस बस, ठीक है जी, ठीक है। इच्छा जी आप बताएंगे, यस सर। उससे आगे का बताएंगे आप सर आपने पित्त के पांच प्रकार के बारे में बताया था, पहला पाचक जी। पित्त, दूसरा रंजक पित्त, तीसरा साधक पित्त, चौथा आलोचक पित्त और पांचवा भ्राजक पित्त। पाचक पित्त जो जी है वो आमाशय के अधो भाग में होता है, रंजक पित्त लीवर और प्लीहा, साधक पित्त हृदय, आलोचक पित्त नेत्र, भ्राजक पित्त त्वचा। पित्त अच्छा, जो, पित्त आपने हाँ बताया आमाशय का जी अधो भाग होता है, पाचक पित्त के बारे में आपने बताया आमाशय का अधो भाग होता है। आधे भाग में माना जाता है उसको पित्त को ना, पाचक पित्त। और भी होता है, ठीक पक्वाशय का मध्य भाग, जी। और पित्त से सर 40 प्रकार के रोग होते हैं सर। ठीक है जी, हाँ जी। और जो पित्त का प्रकोप के कारण है वो चटपटा, खट्टे नमकीन पदार्थ और मादक पदार्थ और सूखी ठीक है जी, सब्जियां, क्षार पदार्थों का अधिक सेवन, अधिक धूप और अधिक अग्नि का सेवन, नियमित रूप से भोजन, अनियमित रूप से भोजन, और सर जो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध जो प्रक्रिया होती है उससे भी पित्त बढ़ जाता है सर। हाँ, उसको अधिक मैथुन बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अधिक उसके, मैथुन हो हाँ गया आपका। जी, पित्त प्रकोप के लक्षण है बस सर। बस, और को भी मौका दे दो। ओके सर। सोनाली सैनी जी हैं जी सर, जी, उसके लक्षण क्या हैं, लक्षण बताएंगे। सर थकावट, अधिक पसीना, बल व नींद की कमी, शरीर में जलन, तापमान की अधिकता, त्वचा का रंग, अंगों से बहुत ब्लड दुर्गंध ब्लॉकेज। आना, हाँ क्रोध, जी, मूर्छा तथा चक्कर आना, मुंह का कड़वा और ठीक है जी, खट्टा स्वाद एवं शीतल आहार विहार की इच्छा भी पित्त की अधिकता के सूचक होते हैं। ठीक है जी। मतलब तेजस भासे है कोई यस जी। जब अग्नि मंद हो जाती है, पाचक अग्नि जो मंद हो जाती है, जो हमने अभी किसी ने बताया था, इच्छा जी ने बताया था, पाचक पित्त के कारण जो अमाशय का अधो भाग होता है वो इम्बैलेंस होता है, तो हमारा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हमें। और क्या होता है अगर पाचक अग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है। जी सर, कफ 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 भाव की अभिवृद्धि। अरे इच्छा जी रुक जाओ, सॉरी सर। कफ बढ़ जाता है, ठीक है जी, कफ की अभिवृद्धि हो जाती है। वो कफ कहाँ कहाँ बढ़ता है, कोई बताएगा। जी ज्योति जी बताइए। सर हृदय और फेफड़ों में। ठीक है जी, पित्त जो होता है वो हमें क्या प्रदान करता है, कोई बताएगा। सर बल प्रदान करता बहुत बढ़िया जी। योगेश डांगी जी, और क्या प्रदान करता है हमें पित्त से, और क्या फायदे होते हैं हमें, क्या काम आता है हमारी बॉडी में। सॉरी सर, ध्यान नहीं है।
ठीक है जी, कोई बात नहीं, पढ़ा करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रियंका सर कुशवाहा जी डाइजेशन हैं, काम आता है क्या? डाइजेशन में तो आता ही, अभी तो बताया ना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो क्या बढ़ता है, जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, जो सॉरी, जब पित्त बढ़ेगा तो खाना जल्दी पचेगा, ठीक है। पित्त मतलब गर्मी, अब जिसके शरीर में गर्मी होगी जल्दी खाना पचेगा उसका, जितनी जल्दी आंच होगी उतना खाना, ये समझ लो एकदम से पच भी जाएगा और जल भी जाएगा। जैसे मान लो हाई फ्लेम पे अगर हम खाना बनाए तो जल्दी बन भी जाता हो, फिर जल्दी जल भी जाता हो, ठीक है ना। अच्छा तो जिसका पित्त बढ़ेगा उसका क्या होगा, खाना तो जल्दी पच जाएगा, और पित्त जब इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो पाचक पित्त के अंतर्गत आएगा, उस आमाशय आता है उसके अंदर। तो जब पित्त इम्बैलेंस होता है हमारा, तो जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाती है, जिससे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और उसमें कफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रियंका कुशवाहा जी से, कि किसी ने बताया है कि बल की हमें बल प्रदान होता है उससे, पित्त से और क्या क्या प्रदान होता है हमारे शरीर में, और किस काम आता है, फायदे क्या उसके। अरे एनजाइम्स और हार्मोन्स का नियमन सर मीनू जी, बोलिए। आपका तो मैंने नाम ही नहीं अनाउंस किया जी। प्रियंका जी मानसिक बताइए। कार्य जैसे मेधा बुद्धि शौर्य साहस हर्ष आदि का संचालन और पित्त की समावस्था उत्साह की कमी हो जाती है अगर ये नहीं होता तो, और उत्साह पित्त अगर रहता है शरीर में ज्यादा तो उत्साह ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी, अगर पित्त बढ़ता तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम होती है, हैंड रेज करेंगे, बोलेगा नहीं कोई भी। देविका सिंह जी हैं कोई, जी देविका जी बताइए। सर एक बार रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन। ठीक हमारे शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है तो मुख्यतः 40 प्रकार के रोग होते हैं, और उनमें से मुख्यतः कौन से रोग होते हैं। सर उसमें पीलिया होता है सर उसमें मेन। ये तो नहीं हुआ जी, सर मुख्यतः दाह दाह वाला होता है जो नहीं। मीनू राव जी आइए सामने, जी सर जब हमारा पित्त बढ़ जाता है तब हमें रोग जो होते हैं शरीर में 40 प्रकार के होते हैं, उन 40 प्रकार के रोगों से मुख्यतः रोग किससे रिलेटेड होते हैं। सर एक तो पाचक अंगुली मंद हो जाती है। एक तो नहीं जी, मैंने पूछा है 40 प्रकार के रोग होते हैं, 40 में से ज्यादा रोग वो किस एरिया पे, किस मतलब हमारे ऑर्गन पे काम करते हैं, किस कहाँ जाके बढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा रोग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे आईज में, टांग, हड्डियों के रोग बढ़ जाते हैं हमारे, हेयर फॉल हो जाता है, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। सर लीवर से संबंधित मुझे लगता मीनू राव जी बताइए। सर नहीं पता। सौरभ शर्मा जी हैं, बताएंगे सर। हाँ साक्षी जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सर त्वचा और रक्त से रिलेटेड था। जी बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा हमें स्किन प्रॉब्लम होती है, और स्किन प्रॉब्लम में हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी होती है, उसकी वजह से होती है, ठीक है। ठीक है, और सर जो स्किन प्रॉब्लम होता है और वो भी लीवर से ही रिलेटेड रहता है ना सर, जब लीवर में जब डिस्फंक्शन होता है लीवर तो फिर डिसफंक्शन होता है तो उससे सबसे पहले जो रोग होता है वो होता है हमारा ये पीलिया, वो मुख्यतः पूछा था, सर। मुख्यतः एक ही हो। हाँ वैसे तो लीवर से बहुत सारे रोग होंगे, पर जो पित्त बढ़ने के कारण जो रोग होंगे ना वो स्किन के ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। सर तो जो सोरायसिस होता है वो भी तो लीवर के प्रॉब्लम से ही होता है ना सर, लीवर में डिसफंक्शन होता है तो उसके कारण भी हाँ होता तो लीवर की वजह से है जी, पर लीवर में रोग नहीं हुआ ना, लीवर की वजह से हुआ, वह तो जी सर स्किन पे जी जाके ना, एक्जिमा, सोराइसिस के लिए मैंने काउंट करवाए थे,
दाद खाज खुजली एक्जिमा सोराइसिस ये सारी चीजें तो हमको उसी में सर होती हैं। पर्टिकुलर इति उछलना, केस को इति उछलना, ये सारे रोग पित्त के बढ़ने से ही होते हैं, उसके इम्बैलेंस होने से। और जो आप पित्त का जो आप लीवर कह रहे हो वो रंजक पित्त में आएगा, ठीक है जी। हाँ अब मेरे को बता दीजिएगा, जो त्वचा के रोग होते हैं वो हमारे पांचों पित्त में से किस पित्त के अंतर्गत आते हैं? कौन सा ऐसा पित्त है जिसके इम्बेलेंस होने से हमें स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होती है? जी ज्योति जी बताएं आप। सर भ्राजक पित्त ठीक है जी, अब बताएंगे पित्त को शांत करने के उपाय। पित्त अगर आपका बढ़ गया है तो उसको शांत करने के उपाय कौन कौन से हैं? लक्की साहू जी बताएंगे, कोई एक उपाय बताइए आप। सर। हरिओम जी। हरिओम। पित्त को शांत करने का उपाय है जो घृत कुमारी का रस, अंकुरित अन्न, सलाद तथा दलिया आदि का सेवन करना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। योगेश डांगी जी आप बताएंगे। ये सर और कौन से उपाय सर हैं बताएंगे? का संतोषी वर्मा जी बताएंगे। ग्रीत का पान है विरेचन सबसे श्रेष्ठ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ते हैं कफ को, हमने वात पढ़ लिया था, पित्त पढ़ लिया था, हम कफ को पढ़ते हैं। कोई मेरे को बताएगा वात पित्त कफ को तीनों को क्या कहा जाता है? कोई त्रिदोष। भी? त्रिदोष। त्रिदोष के अलावा इनका एक और नाम था, कोई बताएगा? आधार स्तंभ। आधार स्तंभ बोल जाता। ठीक है जी, आज हम पढ़ते हैं कफ को, वात पित्त हमने पढ़ लिया था। कफ को बोलते हैं श्लेष्मा भी बोलते हैं, श्लेष्मा मतलब चिकना चिकना जो होता है उसको कफ बोलते हैं। केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा है। जब हमने पंच महाभूतों का और त्रिदोष का संबंध पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जल से उत्पन्न होता है। जल के साथ किसके कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होता है कफ, कोई बताएगा? सर पृथ्वी। पृथ्वी जल और पृथ्वी के संयोग से हमारा कफ उत्पन्न होता है, ठीक है। श्लेष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या जो संश्लेषण करता है वही श्लेष्मा होता है। कफ शरीर का पोषण करता है, ठीक है। शरीर को स्निग्धता यानी चिकनाहट जो होता है और आर्द्रता गीलापन जो प्रदान करता है वो कफ का कार्य होता है। संधियों का आपस में मिलाना भी कफ का ही कार्य है। जहां भी ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे संधियों का जो जोड़ होता है आपस में तो वहां पे कफ रहता है। शरीर की वृद्धि कफ करता है, ये अकेला है ऐसा, ना वात करता है ना पित्त करता है, कफ से शरीर की वृद्धि होती है। सर कल की स्क्रीन क्लास कौन में या सा हो गया परसों, सर? ओके जी, विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर अभी हो रही है सर विजिबल। दिख रहा आप लोगों को कुछ? सर स्क्रीन शो हो रही है बट वो कंटेंट। एक मिनट रुकिएगा, स्टॉप शेयरिंग, फिर से नहीं हो रही। यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, क्लिक हियर टू रिटर्न टू द वीडियो कॉल व्हेन यू रेडी टू स्टॉप प्रेजेंटिंग।
अभी प्रेजेंट है ना स्ट्रोक? अरे ये कब भी नहीं दिख रहे, एक मिनट से। आप दिख रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। कफ बोलते हैं श्लेष्मा को, केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं, जल और पृथ्वी के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे हम कफ कहते हैं, कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा होता है। अच्छा वात किन से उत्पन्न होता है, कोई बताएगा? पंच महाभूतों में से किन के संयोग से वात उत्पन्न होता है? अग्नि और जल। वात आकाश और वायु के, आकाश वायु के संयोग से वात उत्पन्न होता है। फिर आता है अग्नि जल, अग्नि जल के उत्पन्न के संयोग से पित्त उत्पन्न होता है। फिर आता है जल पृथ्वी, जल और पृथ्वी के संयोग से हमारा होता है कफ। ठीक है, तो जल पित्त में भी आएगा, कफ में भी आएगा। श्लिष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या जो संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा होता है। कफ शरीर का पोषण करता है, शरीर को चिकनाहट प्रदान करता है और उसमें गीलापन प्रदान करता है, आर्द्रता प्रदान करता है। संधियों को जो आपस में मिलाने का कार्य है वह भी कफ का ही है, और शरीर की जो वृद्धि करता है, जो ग्रोथ करता है, वो कार्य भी कफ का ही होता है। और हमने कल या परसों क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा 0 से लेके और 25 वर्ष तक का जीवन होता है, ब्रह्मचर्य जीवन जिसको हम बाल्यावस्था भी कह देते हैं, तो उसमें हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो कफ के कारण होती है। और हमने पढ़ा था हमारी बाल्यावस्था में हमारे कफ रहता है, कफ की वृद्धि रहती है, और फिर जब हमें युवावस्था आती है 25 से लेकर 40, 45, 50 तक की लगा सकते हैं आप उसको, उसमें हमारा पित्त ज्यादा रहता है, और फिर जब हम धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाते रहते हैं तो उसमें हमारा वात जो है, वात की वृद्धि हो जाती है। सामान्य ये सभी के साथ होता है, और वो डिपेंड करता है कि जिसकी शरीर की प्रकृति है जो, वही अगर वात की होती है तो उसको, चाहे वो बाल्यावस्था हो चाहे युवावस्था हो, उसको वात रहता ही है, वो धीरे 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 और वृद्धावस्था में जाकर और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, शरीर की वृद्धि किससे होती है? वात से, पित्त से, कफ से? सिर्फ कफ ही है जिससे शरीर की ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये मेन पॉइंट है। शरीर में काम शक्ति की वृद्धि होती है, वो भी कफ से ही होती है हमारी। बल की अधिकता होती है वो कफ से होती है। शरीर में उत्साह उत्पन्न होता है, वो भी कफ का ही एक कारण है। और शरीर के घाव जल्दी भरते हैं जिसमें कफ ज्यादा होता है, या कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, तो घाव को जल्दी कवर करने का जो कार्य है वो कफ के, कफ की वजह से ही होता है। शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोध अक्षमता होती है वो भी इसी की वजह से होती है। ऊपर आया ना, घाव जल्दी बढ़ते हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, वो अच्छी है, बेटर है। शरीर में मानसिक और शारीरिक क्षमता अधिक होती है इन लोगों में जो कफ प्रकृति के होते हैं, या जिनमें कफ ठीक होता है, बैलेंस रहता है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमा, माफ करने वाला होता है, धैर्य, पेशेंस होती है उसके अंदर, धैर्यवान होता है। ऐसा नहीं कि छोटी सी भी कुछ भी, कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमावान होता है, धैर्यवान होता है, ज्ञानवान होता है, विवेकवान होता है, उसकी मानसिक स्थिरता वो अधिक रहती है, आदि सभी कार्य जो होते हैं वो कफ के अधीन होते हैं। जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो क्षमावान होते हैं, माफ करने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विवेकवान। वो ऐसे नहीं कि कुछ भी सुना और तुरंत एक्शन ले लिया, पहले उस पर विवेक करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तब जाके, और वो व्यक्ति वही कर सकता है जिसकी मानसिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जिसकी स्थिरता होगी वही सोच सकता है, नहीं तो जो भी सुना हमने, गलत सुना या एक साइड का सुना और तुरंत एक्शन लेनी है, फिर बाद में पछतावा के सिवाय कुछ नहीं रहता।
तो ये लोग होते हैं क्षमावान होते हैं, धैर्यवान, ज्ञानवान, विवेकवान, और इनकी मानसिक स्थिरता आदि सभी कार्य जो होते हैं वो कफ के अधीन होते हैं। वात की रुक्षता एवं पित्त की गर्मी जब बढ़ जाती है तो कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। जब वात भी बढ़ जाए और पित्त भी बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को वो औषधियां दी जाती हैं जो कफ को बढ़ाए, कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। जब दोनों इम्बैलेंस हो जाए वात और पित्त, अब तक हमने पढ़ा था वात बढ़ जाए तो उसके क्या लक्षण है, उसका क्या निवारण है, पित्त बढ़ जाए तो उसका क्या निवारण है, पर जब दोनों ही बढ़ जाए तब उस व्यक्ति को ये एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। आप पित्त को कम करोगे तो फिर वात बढ़ जाएगा, वात को कम करोगे पित्त बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे गुण होते हैं इनमें आप आगे पढ़ेंगे। पर जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो उस व्यक्ति को कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा दी जाती है, ऐसी औषधियां दी जाती है जिनसे कफ बढ़े तो ये दोनों नीचे आ जाते हैं वात और पित्त। नींद का जो प्रमुख कारण होता है वो कफ की उपस्थिति में तमोभाव ही है। जिन व्यक्तियों को कफ ज्यादा रहता है उनको नींद ज्यादा आती है। आपने देखा होगा बच्चा, साइंस बोलती है 24 घंटे में से 18 घंटे बच्चे को सोना चाहिए, क्योंकि बच्चे में कफ ज्यादा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता है तो कफ कम होता जाता है उसका, और एक एज पे जाके 22, 23, 24, 25 में जाके उसका कफ कम होता है, फिर पित्त बढ़ने लग जाता है। तो वहां तक उसकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है, जो हाइट बढ़नी है, जो भी उसके सिम्टम है वो सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है तो दिन में सोना बंद कीजिए, इसलिए आपको दिन में क्लास दी जाती है। किसी एक, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक राजा ने, एक ऋषि ने एक राजा को कहा था कि आपके बच्चे मंद बुद्धि हैं। तो उस राजा ने पूछा था कि ना तो मेरे बच्चे दिन में सोते हैं ना रात को दही खाते, तो आप मेरे बच्चे को मंद बुद्धि कैसे कह सकते हैं। तो दिन में सोने से मंद बुद्धि होती है क्योंकि कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है उसमें, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा ना ये क्षमावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं। तो मान लो कोई कफ वाला प्रकृति का व्यक्ति है उसका ठीक है, स्टेबल है, पर वो बढ़ेगा तो फिर बढ़ने का भी तो दिक्कत है ना। रात को दही नहीं खानी चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए, या ऐसी औषधियों का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए जिनसे कफ बढ़े। अब जैसे हमने वात के प्रकार पढ़े थे, पित्त के प्रकार पढ़े थे, ऐसे ही कफ के भी प्रकार होते हैं, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। ये 5 इसके प्रकार होते हैं, और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त से कितने प्रकार के रोग होते, कोई बताएगा? 40 वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80 ऐसे हो रहा है। अब वात पित्त कफ में तीनों में से सबसे जो स्वास्थ्य वाला व्यक्ति होगा वो कौन होगा? कफ वाला होगा ना, क्योंकि यहाँ देखो 20 प्रकार के रोग होते टोटल, ठीक है ना। इससे ऊपर 40 होते, उससे ऊपर 80 होते, तो ये लोग, तभी इनमें लिखा गया कि ये क्षमावान होते, धैर्यवान होते, ज्ञानवान, विवेकवान, मानसिक स्थिरता भी इनकी अधिक होती है, इनकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज्यादा होती है। कफ से 20 प्रकार के रोग होते। कफ के गुण, गुरु, गुरु मतलब भारी, शीत, शीत मतलब शीतल कह लो, ठंडा कह लो, मृदु, मृदु मतलब सॉफ्ट, मुलायम, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, तैलीय पदार्थ कह सकते हो आप उसको, मधुर मतलब मीठा, स्थिर मतलब स्थिर मतलब स्टेबल, और पिछला मतलब चिपचिपा वाला। अपने बाकियों में पढ़ा था वो अचिपचिपाहट होती है उनमें, यहाँ चिपचिपा लिखा गया, ठीक है। श्लेष्मणा प्रथमा यान्ति विपरीत गुणर गुणा, जो भारी होता है, जो ठंडा होता है, जो मुलायम होता है, चिकना होता है, तैलीय होता है, जो मीठा होता है, स्थिर होता है, पिछला होता है, चिपचिपा होता है, मंद या गीला होता है, यही कारण इसके स्वाभाविक गुण है। तो कफ के गुण जो आएंगे उनमें ये आएगा, भारी, चिकना, ठंडा, शीतल, मुलायम हो गया, स्थिरता हो गया, चिपचिपा वाला हो गया, मीठा हो गया, ये इसके गुण होते हैं। इसका रंग सफेद होता है तथा रस थोड़ा मधुर होता है जब वो सम अवस्था में होगा। जब वो अवस्था उसकी बिगड़ जाएगी तब इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसका रस भी चेंज हो जाता है। कफ प्रकोप के कारण, बढ़ने के कारण क्यों बढ़ता हो, क्यों इम्बैलेंस होता, बढ़ता है या घटता है? मधुर, अमल, लवण, भारी, स्निग्ध एवं क्लेदक खाद्य, क्लेदक खाद्य और पेय पदार्थ, अगर आप इनका ज्यादा सेवन करते हैं। देखो आपने ऊपर पढ़ा था इसका मीठा गुण होता है, मीठा अगर आप ठीक ठाक खा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर आप जब इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ने से फिर आपको मोटापा भी आता है, क्योंकि मोटापा कफ का रोग है, और जिनको मोटापा होता है उनको बोला जाता है कि आप मीठा बंद कर दीजिए। देखो आगे ना वही बात, अमल खट्टे पदार्थ होते हैं, लवण नमकीन पदार्थ होते हैं, अगर आप इन तीनों का सेवन करते हैं तो आप में कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे आप कुछ कर लो। अगर कोई मोटा आदमी है उनकी ये तीनों चीजें कम से कम करवाओ, अपने आप उसका कफ कम होता जाएगा। कफ मतलब उसका जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होता चलेगा, जिसको मेद बोलते हैं। भारी स्निग्ध, ज्यादा चिकनी चीजें खाने से, एवं क्लेदक खाद्य और पेय पदार्थ, मांस मछली तिल से तैयार खाद्य पदार्थ आदि का सेवन करना, इनसे हमारा कफ बढ़ता है। गन्ने दूध नमक और बलीय पदार्थों का अधिक सेवन करना, ज्यादा हैवी पदार्थों का सेवन करना जिनमें ज्यादा बल होता है, जिनमें एनर्जी ज्यादा होती है, या यूं कह लीजिए जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, उनका अधिक सेवन करना, तो उनसे हमारा कफ बढ़ता है। कार्बन युक्त शीतल पेय से कफ बढ़ता है, अधिक भोजन के सेवन से कफ बढ़ता है, दिन के समय सोने से, देखो आ गया ना, मैंने आपको पीछे बताया था दिन के समय सोने से, रात को दही खाने से कफ बढ़ता है, तो ये आ गया दिन के समय सोने से कफ बढ़ता है। आलस करने से, व्यायाम न करने से कफ बढ़ता है, और आपने पढ़ा था इन लोगों को नींद प्रिय होती है, और नींद आएगी तो फिर आलस भी आएगा, आलस कर लिया व्यायाम ना किया तो फिर कफ बढ़ गया। बसंत ऋतु में प्रातः काल में और रात्रि के समय में और भोजन के बाद और बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से ही प्रबल रहता है। बसंत ऋतु में सुबह के समय, रात के समय, भोजन के बाद, बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से ही प्रबल रहता है, ये सबके लिए है। सर क्लेदक आदि क्या होते हैं? क्लेदक, हेलो, यस सर, क्लेदक वो खाद्य क्या होते हैं? क्लेदक बताएगा जी कोई? क्लेदक किसको बोलते हैं सर? चिपचिपे, उसका चिपचिपा, चिपचिपेपन को बोलते हैं, ठीक है जी। बसंत ऋतु में सुबह के समय, रात के समय, भोजन के समय, बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से ही प्रबल रहता है। आपने देखा होगा जिनको, कहीं ऐसे होते हैं जिनको साइनस की एलर्जी होती है, तो वो सुबह उठते उनको छींके आनी शुरू हो जाती, पूरा दिन ठीक रहते हैं, शाम के समय फिर ऐसे ही हो जाता उनके साथ, सुबह शाम उनको प्रॉब्लम रहती कफ से रिलेटेड। या जिनको खांसी होती है दोपहर में ठीक रहते हैं, सुबह फिर वो बुरा हाल हो जाता है उनका खांस खांस के, और रात्रि के समय जैसे सूर्य अस्त की तरफ चलता है वैसे ही फिर उनके कफ बढ़ जाता है। जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उन लोगों को देखना, वो दिन में ठीक रहेंगे, क्योंकि दिन में वातावरण में गर्मी होती है, सूर्य पीक पर होता है, जब सूर्योदय होता है तब उनको ये प्रॉब्लम होती है, जब सूर्यास्त के समय फिर से इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रातःकाल, रात्रि के समय और भोजन के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में, बसंत ऋतु में, इनमें सबका प्रबल रहता है। अब इसके लक्षण देखते हैं जी। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये इसके कारण होते हैं। अब मान लो हमें कारण का नहीं पता है, हमें हो गया, तो हम कैसे जाने कि हमारा कफ बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा, तो वो देखते हैं। सुस्ती आना, आलस आना जिसको तंद्रा बोलते हैं, अधिक नींद आना, मुंह का मीठा स्वाद, आपने पित्त में पढ़ा था, पित्त में मुंह का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, कड़वा, कड़वा। देखो यहाँ चेंज हो गया ना, मुंह का स्वाद मीठा, उसको मीठी चीजें पसंद आएंगी, मीठी चीजों की तरफ भागेगा और मीठी चीजों से कफ बढ़ेगा, ये लक्षण है इसके, ठीक है। त्वचा में सफेदी आएगी, पित्त में क्या आएगी त्वचा में? पीलापन, पीलापन, नहीं नहीं पीलापन तो फेयरनेस, फेयरनेस किसको बोलते हैं? गोरेपन को बोलते हो ना? यस सर। हाँ तो त्वचा में सफेदी, फेयरनेस तो एक ही बात होगी सर। तो वर्ण जो है वो सर डार्क को बताया था कि वर्ण उसका, बताइए बताइए कौन बोल रहा था, क्या बताया था मैंने? रेड हो जाते हैं चेहरे,
आप सांवले रंग की तरफ चले जाते हैं। मैंने बताया था आपको जो लेबर क्लास है वो धूप में ज्यादा कार्य करते हैं। अग्नि के सेवन से और सूर्य का अधिक सेवन करने से आप ये पित्त का कारण है, ये पित्त बढ़ता है उससे, और उससे आप डार्कनेस की तरफ चले जाते हैं, सांवलापन आपकी तरफ आ जाते हैं। पढ़ा था ना ये हमने कल, यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया रंग था। गाढ़ा हो जाता है पहले की। ये ध्यान, शीतलता, स्निग्धता, चिकनापन, खुजली, शरीर में भारीपन, ये आ गया आपका मोटापा, जिसको क्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, शरीर में भारीपन को मेद, मेद धातु बोलते हैं। स्थूल तो वैसे शरीर ही होता है, पर स्थूल का भी स्थूल हो गया तो उसको शरीर में भारीपन बोलते हैं। मल मूत्र पसीना आदि में चिपचिपापन। और हमने पित्त में क्या पढ़ा था, मल मूत्र पसीना में क्या आएगा, दुर्गंध युक्त रहेगी। वो दुर्गंध युक्त रहेंगे, ठीक है। इसमें चिपचिपापन होगा, मल में भी मूत्र में भी। सूजन होगी, बलगम बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, आंख और नाक के मल ये बढ़ने लग जाएंगे, हमारे नाक से कफ बहने लग जाए, आंखों में भी आपने देखा होगा कॉर्नर में कफ आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आंख और नाक के कफ ये बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। चिरक्रिया, चिरक्रिया बोलते हैं शरीर पर किसी भी प्रतिक्रिया का देरी से होना, तो उसको चीर क्रिया, चीर मतलब देरी से, कोई भी मतलब बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा हो वो थोड़ा लेट आना, तो उसको चीर क्रिया बोलते हैं। अंगों में ढीलापन, बॉडी जो हमारी वो है स्किन, वो लटक जाएगी, ढीलापन आ जाएगा अंगों में, ठीक है। श्वास, दमा, खांसी, अवसाद, उदासी आदि जो लक्षण है ये कफ प्रकृति के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर। सर चीर क्रिया वापस एक बार बता सकते हैं? चीर क्रिया होता है हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी चीज का मतलब इम्पैक्ट आना, वो थोड़ा देरी से आना, उसको हम चीर क्रिया बोलते हैं। ओके सर। ठीक है जी। प्रकोपित पित्त कफ को शांत करने के उपाय, अब हमने पढ़ लिया, मानो जान लिया हमने कि ये लक्षण हमारे अंदर, तो शायद हमें कफ बढ़ गया हो, तब बढ़ गया तो अब करें क्या, उसका निवारण क्या है। तीक्ष्ण और उष्ण औषधीय द्रव्यों से वमन व विरेचन करना, इससे आपका कफ शांत हो जाएगा। वमन भी करना है, कुंजल क्रिया भी करनी है, विरेचन भी करना है, ऐसी औषधियों का पान करना है जिससे आपको लूज मोशन हो जाए, उससे कफ आपका कंट्रोल हो जाएगा। तीक्ष्ण और उष्ण औषधियां होनी चाहिए वो। कटु, तिक्त और कषाय रसों का सेवन अधिक करने से हमारा कफ कम होता है। और कहाँ ये पढ़ा गया था हमने, कटु, तिक्त और कषाय के रसों के सेवन करने से हमारा कौन सा दोष बढ़ता है? वात दोष। वात दोष बढ़ता है कटु, तिक्त, कषाय के सेवन करने से, ठीक है। और कटु, तिक्त, कषाय के सेवन करने से हमारा कफ कम होता है। हो गया ना एक दूसरे के ऑपोजिट, हो गया ना जी। जी सर। हाँ, और देखते हैं, मधुर, अमल, लवण, इनके सेवन करने से कफ बढ़ता है, और मधुर, अमल, लवण का सेवन करने से वात कम होता है। ये एक दूसरे के ओपोजिट, आप इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा, मधुर, अमल, लवण, मीठा, खट्टा, नमकीन, इनके सेवन करने से कफ बढ़ता है और वात कम होता है, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा है, काम आ गया, कटु, तिक्त, कषाय, इनके सेवन करने से कफ कम होता है और वात बढ़ता है, ठीक है। तो एक तरफ आपको दिए जाएंगे 6 रस, या मान लो 3 दिन के सीक्वेंस दे देंगे, दूसरी तरफ दे देंगे इनसे क्या होता है, वात के ऊपर एरो लगा देंगे, वात बढ़ता है इसके सेवन से या वात कम होता है, किससे वात बढ़ता है, किससे पित्त बढ़ता है, किससे कफ बढ़ता है, किससे डाउन होते हैं तीनों के तीनों, तो आप इसको याद रखिएगा। पुराने शहद का सेवन करने से कफ बढ़ता है, वैसे तो शहद कफ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर पुराने शहद जो होते हैं रखे रखे कि उसकी तासीर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कफ जो है वो बढ़ने लग जाता है पुराने शहद से। औषधीय, धूम्रपान करने से, और लंघन क्रिया जिससे मोटापा कम हो, ऐसी क्रियाएं करने से हमारा जो कफ है वो कम होता है। औषधीय धूम्रपान ऐसे होता है जैसे
जैसे हवन करते हैं, हवन में ऐसी सामग्रियां या ऐसी औषधीय लकड़ियों का या पत्तों का या छाल का ऐसे का औषधियों का से उसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे वो जो धुआं है वो जो कफ वाला व्यक्ति उसको पास बैठा के, मान लो यजमान के रूप में बैठा के और हवन किया जाता है। कई हॉस्पिटल है यज्ञ चिकित्सा के बारे में, अगर इसको जानना डीपली पढ़ना आपने तो यज्ञ चिकित्सा पढ़ लेना, उसमें आएगा। तो उनको हवन के हवन कुंड पे बैठा, वहां सारे बिठा के और हवन कराया जाता है, जिससे उसको औषधीय जो उससे धुआं उत्पन्न होता है ना वो इनहेल करता है, तो उससे औषधीय जो गुण है वो धूम्रपान में आते हैं, और उससे से आहिस्ता आहिस्ता जब आदमी उसको इनहेल करता है धूमर को, तो उसका कफ शांत होता है उससे। ऐसे लंघन क्रिया, लंघन क्रिया बोलते हैं जिनसे मोटापा कम हो, कोई भी एक्सरसाइज होगी सारी उसी में आती है, चाहे आप स्विमिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा जो भी करें, तो इनसे भी कफ कम होता है। रनिंग करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो ये सारी एक्सरसाइज जितनी है इनसे बार बार आपको कफ आएगा और स्पिट करने की इच्छा होगी, स्पिट करते जाइए, तो आप धीरे धीरे जो बड़ा हुआ कफ है वो आपने स्पिट कर करके बाहर कर दिया, तो आपका बैलेंस हो जाता कफ। सर वो इन सब से गर्मी उत्पन्न होती है सर शरीर में, इस वजह से फिर कफ कम होता है। हाँ, वो आपको गर्मी उत्पन्न होगी तो आपको बार बार वो गले में आएगा, आप उसको स्पिट करेंगे तो जो ठीक अच्छा है, अंदर की तरफ वो इकट्ठा हो रखा था आपने बाहर निकाल दिया, अब वो औषधियों का सेवन करें जिससे वो और ना बने, जो इकट्ठा वो आप रिमूव करते जा रहे हैं और उसकी जड़ को आपने काट दिया, वो और बन भी नहीं रहा है, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कुछ दिन लगते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप, और कोई नुकसान भी है इस क्रिया का। यस सर। ठीक है जी। जी, धूप सेकना। अब देखो क्रिया करते हैं उससे हमें क्या होता है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गर्मी उत्पन्न होती है जिससे कफ बाहर आता है हमारा। ऐसे धूप सेकना हो गया, सवेदन सेक हो गया, सूखी मालिश होगी, उपटन मलना हो गया, इनसे भी हमारा कफ कम होता है। शारीरिक व्यायाम हो गया, कुश्ती हो गया, दंड बैठक हो गया, तेजी से टहलना जिसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, स्विमिंग हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी है, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, डांस, जो भी आपको एक्टिविटी आती है अगर वो करते हैं तो उनसे आपका कफ कम होगा। नस्य या शिरोध विरेचन, इनसे भी आपका कफ कम होता है। नस्य मतलब कोई भी आप नाक के द्वारा किसी भी औषधि को ग्रहण करते हैं तो उससे भी आपका कफ बाहर होता है। जैसे आपने जल नेति करते तो ऐसे ही तेल नेति होती है, दुग्ध नेति होती है, आंवला की नेति होती है, और ऐसे फिर बादाम रोगन तेल नाक में डाला जाता है, षडबिंदु तेल, अणु तेल, अलग अलग औषधियां तेल होते हैं जिनसे इनहेल कराते हैं, तो उसके साथ बहुत सारा कफ गले में आ जाता है, उसको स्पिट कर देते हैं। जल नेति के बाद कराते हैं कई जगह पे, और वैसे भी सोते समय बादाम रोगन तेल डालते हैं बहुत जगह पे, गाय का घी डालते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। आजकल सर्दी है तो सर्दियों में गाय का घी नाक में जम जाता है, इसलिए फिर षडबिंदु तेल या अणु तेल या बादाम रोगन तेल, ऐसे तेल का यूज किया जाता है। ये जो औषधियों से बनते हैं वो नस्य और शिरोविरेचन में आते हैं। आराम कम करना या क्रियाशील रहना, ठीक है, ज्यादा एक्टिविटी करना, उससे भी हमारा कफ बढ़ता है, या बिल्कुल कम कम से कम आराम करना, चलते ही रहना, मतलब कभी कुछ कर लिया, कभी कहीं होते हैं चंचल मन के, वो बैठना पसंद ही नहीं करते, तो उन लोगों का कफ बढ़ता है। ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था पित्त में, पित्त किन चीज से बनना, मतलब ऐसा ही सेम इसी से रिलेटेड थोड़ा कुछ पढ़ा था हमने, कोई बताएगा, उनका पित्त बढ़ता है वो ज्यादा क्या करते हैं, बल क्रिया वाला, बल क्रिया पढ़ा था, और भी अधिक बोलने वाले व्यक्ति का पित्त बढ़ता है पढ़ा था ना सर, क्रोध। हाँ क्रोध, अधिक बोलेगा तो क्रोध तो अपने आप आ जाता है, जो शांत होगा वो इतना बोलेगा ही नहीं, बोलने नहीं आएगा शांत। चिंता या शोकग्रस्त रहने से भी कफ बढ़ता है, ये तो तकरीबन सभी में आएगा, इसलिए चिंता व शोक से दूर रहें। वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, वैसे तो ये पित्त के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया वमन क्रिया उल्टी करना, पर कफ उस कफ के लिए उससे भी अच्छी है ये, क्योंकि यह कफ के मूल स्थान सहित आमाशय और छाती से कफ को बाहर निकालता है, परंतु वमन का वोम तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों से तैयार होना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो वमन क्रिया करते हैं हम कुछ भी औषधियों का सेवन करके, जैसे हम सामान्यतः गर्म पानी में नमक का पानी मिला के उससे कुंजल क्रिया करते हैं, तो उसकी जगह से हम ऐसी औषधियां उस पानी में मिलाएं जो तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों वाली हो,
अगर उसको पानी को पी के हम, या उन औषधियों के रस को, या जिस भी तरीके से फॉर्म में ले हम, वो लेके अगर कुंजल क्रिया करते तो उससे और जल्दी और ज्यादा कफ बाहर आता है, और जिससे बैलेंस हो जाता कफ। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बल आयु, सामान्य रूप से देखा जाता है कि बल आयु, संतान, ज्ञान और जीवन की सुविधाएं, विशेष प्रतिभाएं और धन आदि वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कम मात्रा में मिलती हैं, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को मध्यम मात्रा में मिलती हैं, और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को उत्तम मात्रा में मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बल, क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है वो अधिक होती है, तो इनमें बल ज्यादा होता है, ठीक है, ताकत इनमें ज्यादा होती है। और आदमी बीमार कम होएगा तो आयु दीर्घायु वैसे ही होगी, संतान उत्पत्ति, क्योंकि ये वैसे भी इनमें जो आप पढ़ेंगे ना कफ से हमारी धातुएं वो बढ़ती हैं, आपने पढ़ा भी है कि वो शरीर को ग्रोथ देने का कार्य करता है, तो इससे संतान भी बढ़ती, संतान की उत्पत्ति, इनको, इन लोगों को अच्छी संतान प्राप्त होती है, ज्ञान इनको ज्यादा होता है, जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं वो ज्यादा इनके पास होती हैं, और विशेष प्रतिभाएं जो मतलब जो एक आइकन होते हैं, तो विशेष प्रतिभाएं जो होती हैं वो इन लोगों के पास ज्यादा होती है, धन आदि। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कम होती है ये चीजें नसीब में, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है वो पित्त वाले को, होती है कफ वाले को सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है नहीं? अब हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है, अपने अपने शरीर को जानना है कि प्रकृति को कैसे पहचाने। प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, चारित्रिक विशेषताओं आदि को देखकर किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकृति का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है। कब हो जाता है? जब शुक्राणु और अंडाणु के संयोग के समय जो दोष विद्यमान होते हैं हमारे माता और पिता में, उन्हीं के आधार पर बच्चे के शरीर की बनावट, उसका स्वभाव, उसका मानसिक और चारित्रिक गुणों का विकास होता है। इसके बारे में अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो एक उपनिषद है गर्भ उपनिषद, तो उसको पढ़िए आप, जिनके अभी शादी हुई है या जिनको बच्चा अडॉप्ट करना है, तो अगर आप चाहते हैं इन तरीकों से संतान उत्पत्ति करना, संतान की प्राप्ति, तो आप गर्भ उपनिषद को पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से और बहुत डीपली लिखा है, एक एक चीजों का एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एक प्रकृति हमारी क्या होगी, जब मम्मी पापा के संयोग, जो शुक्राणु और अंडाणु के संयोग के समय जो उनके विचार होते हैं, वो स्ट्रेस तो नहीं ले रहे उस समय में, ठीक है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी खुद की बनावट शरीर की क्या, तो कुछ माता के गुण होते हैं, कुछ पिता के होते हैं, वो डिपेंड करता है उनके शुक्राणु और अंडाणुओं पे, तो उनसे चारित्रिक गुणों का जो विकास होता है उनसे बच्चे का विकास होता है। वो जीन्स किसी के भी आ सकते हैं, मम्मी के भी, पापा के भी, और मम्मी के पीछे से जैसे दादा दादी नाना नानी, वो किसी के भी आ सकते हैं। इन गुणों और विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। वैसे प्रकृति दो ही प्रकार की होती है, आप श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पढ़ेंगे तो तीन प्रकार की प्रकृति होती है, सत्व प्रकृति, रजस प्रकृति और तमस प्रकृति। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ इन्होंने एक प्रकृति बताई है कि जो माता पिता से बच्चे को मिलती है, उसका जन्म से पहले ही गर्भ में ही उसका निर्धारण हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी मानसिक सोच कैसी होगी, उसका चारित्रिक गुण कैसे होंगे, उसकी शरीर की बनावट कैसी होगी आदि आदि, ठीक है। एक प्रकृति होती है उसके आने के बाद कुछ ऐसी औषधियों का, या मान लो हमारा ही बच्चा है तो हमें उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, जैसे इसमें लिखा था आपने पढ़ा अभी कि पुराने शहद का सेवन करने से कफ बढ़ता है, और हमें पता नहीं, हम बच्चे को शहद दिए जा रहे सर्दियों में, खा ले बेटा इससे अच्छा होता है शहद तो सर्दियों में खाना, तो एक प्रकृति तो होगी जो मम्मी पापा से हमें मिली, एक प्रकृति वो होगी जो हमने सेवन किया, जो भी भोजन या जो भी हमने आहार ग्रहण किया उससे हमारी प्रकृति बिगड़ के कुछ और होगी, पर बिगड़ने वाली प्रकृति को वापस लाया जाता है, लेकिन जो नेचुरल जो हमें जन्म से मिली है, बाई बर्थ जो होती है, वो हमारी आखिर तक रहती है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तीन प्रकार की, आयुर्वेद के अनुसार वैसे दो प्रकार की सामान्यतः, पर महर्षि चरक के अनुसार प्रकृति सात प्रकार की होती है। सात प्रकार की कौन सी होती है? वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और आगे फिर ये आ जाती है, जब आपने योग वाहिता पढ़ा था उसमें आया था, वात जब पित्त के साथ संयोग करता है तो ये पित्त प्रकृति होगी,
पर कई बार क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था ना कि जब वात और पित्त दोनों बढ़ जाए तो उसको कफ वाली औषधियां दी जाती है, जिससे उसका कफ बढ़ जाए तो वात और पित्त दोनों डाउन हो जाते हैं। तो पित्त और कफ प्रकृति, कफ और वात प्रकृति, तीन प्रकृति ऊपर होगी सिंगल सिंगल, इनको संधि प्रकृति बोलते हैं, संधि मतलब जोड़, तो ये होगी। और सबसे लास्ट में होती है एक हमारी सम प्रकृति, इसमें वात पित्त कफ तीनों सम अवस्था में रहते हैं, इसको समीपातज भी बोलते हैं, और ये श्रेष्ठ योगियों में होती है जिनके तीनों दोष बराबर रहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है समीपातज प्रकृति क्या होती है या किन में होती है। तो यहाँ सम प्रकृति भी बोलते हैं उसको, समीपातज भी बोलते हैं, या ऐसे भी आ जाए श्रेष्ठ योगियों की प्रकृति कौन सी होती है, तो ये दे देंगे वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, समीपातज, सम प्रकृति, ऐसे कुछ भी दे देंगे, तो आपको इधर से उधर उधर से कुछ भी क्रॉस करके पूछ सकते हैं। समीपातज आप याद रखना, ये मेन पॉइंट है। जन्म के समय वह दोषों की अवस्था के अनुसार जो प्रकृति बन चुकी होती है वह अंतिम समय तक रहती है, उसको आप नकार नहीं सकते। चाहे आप कितनी औषधियां ले लीजिए, मान लो आपकी कफ प्रकृति है तो चाहे आप कफ के ओपोजिट वाली चीजें खा लीजिए, कुछ भी सेवन कर लीजिए आप, हमने पढ़ा था मधुर अमल लवण से कफ प्रकृति बढ़ती है, और आपकी अगर कफ प्रकृति, तो आप बेशक इन चीजों को टच ना करिए, फिर भी आपकी कफ प्रकृति है वो रहेगी, अंतिम समय तक रहेगी। उसमें दोषों की वृद्धि या प्रकोप तो होता रहता है, उसमें दोषों की वृद्धि या प्रकोप वो तो होता रहता है, परंतु उस मूल प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। वो बढ़ भी सकती है, बढ़ गई आपने कुछ ऐसी चीजें ले ली जिससे वो वापस डाउन आ गई, या घट गई आपने कुछ ऐसी चीजें ले ली जिससे फिर से कफ बढ़ गया, पर कफ आखिरी समय तक रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। प्रकृति का मूल कारण दोष ही है, और हमने ऊपर पढ़ा ये दोष। सर, इसको योग से ठीक नहीं किया जा सकता क्या? ठीक, हाँ ठीक किया जाता है। देखो इसमें लिख रखा ना, उसमें दोषों की वृद्धि होती है या प्रकोप होता है, होता रहता है ये, कुछ भी सेवन कर लिया हमने, मान लो हम बाहर चले गए, कहीं ऐसी जगह घूमने चले गए जहाँ पॉसिबल नहीं है हमारे लिए वो, जो हम सात्विक खाना खाते वो नहीं है, पर हमने कुछ भी अनाप शनाप खाना, मजबूरी है, जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा, उससे मान लो हम, हमारी प्रकृति चेंज हो गई, हम 5 7 10 दिन बाद वापस अपने घर आए, तो आके हमने कुछ योगी क्रियाएं की, कुछ हमें औषधियों का गुण, जो औषधीय गुण वो हमने ग्रहण किया, उससे क्या वापस बैलेंस में आ जाएगी, और बैलेंस में आने के बाद रहेगी हमारी वही प्रकृति, वो जो प्रकोपित हुई थी वो वापस आ जाएगी, वृद्धि हुई थी वो वापस आ जाएगी, पर रहेगी हमारी वही प्रकृति। सर, जो जन्म से मिली है वो योग से ठीक नहीं हो सकता है क्या सर? नहीं, वो तो मिल गई जी आपको, वो आखिर समय तक रहती है। तो हाँ, सर उसको आप योग से भी इतना, ठीक नहीं होगा? उसको आप इतना कर सकते हैं, योग से मान लो आपकी वात प्रकृति बनी हुई है, तो योग से आप, वो बहुत बहुत लंबा चलना पड़ता है, आप वात से जाके, वात प्रकृति तो रहेगी आपकी, ठीक है, पर आप योगिक क्रियाएं करके, या आप उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप अष्टांग योग में पढ़ते, तो बहुत सारी चीजों को अपना के आप समीपातज तक जा सकते हैं, वो बहुत लंबा है, तब तक तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। सर, अपनी प्रकृति कैसे जानेंगे? अपनी प्रकृति को कैसे जानेंगे? अरे ये गुण पढ़े आपने, ये गुण रहे, ये लक्षण रहे, अब इनमें आप अपने कैच कर लो आप में क्या क्या इससे सिम्टम। अब ये कफ प्रकृति है, अब इनको छोड़ के भी अगर कुछ है फिर आप उसको पित्त में पढ़ लो, फिर आपकी प्रकृति इसमें आ जाएगी, ये रहा, पित्त कफ में आ जाएगी, अच्छा ठीक है ना। अब मान लो ठीक है आपकी सर। पित्त और कफ दोनों सिम्टम आप में आ रहे हैं, तो वो क्रियाएं कर लो, वो औषधियों का सेवन कर लो, जिनसे कफ कम होता है, जिनसे पित्त कम होता है, तो अपने आप ठीक हो। या मान लो किसी की वात और पित्त की प्रकृति है, वात पित्त की है, तो हमने ऊपर पढ़ा ना उसको ऐसी औषधियां दे जिससे कफ बढ़ जाए, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। दो प्रकार की प्रकृति थी, अब उसकी रहेगी सिर्फ कफ कफ की, आहिस्ता आहिस्ता उसको कफ को भी कम कर लो, लेकिन रहेगी वो जो आपकी शुरू से आपको जन्म से माता पिता से मिली, वो तो रहेगी रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव हो जाएगा, उसको आप क्रियाएं करके बैलेंस कर लेंगे, पर रहेगी वो लास्ट तक आपकी, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। प्रकृति का मूल कारण दोष ही है,
व्यक्ति की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक होती है सहज या मूल प्रकृति जो हमें जन्म से मिलती है, एक होती है परिस्थिति जन्य प्रकृति जो आहार विहार से, व्यवहार से, परिस्थितियों से, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से आदि पर निर्भर करती है। ये परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है और वह स्थायी रहती है। कौन सी स्थायी रहती है? सहज प्रकृति। ठीक है जी। हाँ जी ना जी। यस सर। समझ में आया ना? यस सर। आप इसको ऐसे समझिए, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ जी सर। जी, अब आप ऐसे समझिए इसको, जैसे कि सौरभ शर्मा जी हैं, इनके नियर बाय कोई भी ऐसा आश्रम है, ये वहां आते जाते हैं, तो ये परिस्थिति उनकी बदल गई ना, तो इनमें थोड़े थोड़े गुण वैसे आ सकते हैं सात्विक प्रकृति वाले, पर इनकी जो प्रकृति वो रहेगी ही रहेगी जो मूल प्रकृति है। ठीक है, या ये शिफ्ट हो गए, मान लो ये ठंडे एरिए से हैं और ये चले गए किसी ऐसे दूसरे एरिया में जहां, जैसे मान लो ये एमपी में चले गए और राजस्थान की तरफ चले गए, तो उन एरिया में जाने के बाद अगर मान लो ये स्पाइसी खाना खाते वहां तो और ज्यादा स्पाइसी, फिर उनको तंगी आएगी, हालांकि राजस्थान के लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है, वो बदले नहीं जा सकते। और अगर मैं थोड़ा और इसको डीपली पढ़ाऊं आपको, डीपली पढ़ाएंगे, चलो, आयुर्वेद में निद्रिस तीन उपस्तंभ होते हैं, हमने आधार स्तंभ पढ़े थे, कोई बताएगा आयुर्वेद के तीन आधार स्तंभ कौन से हैं? कफ। ये तीन हमारे आधार स्तंभ हो गए। हम पढ़ते हैं उपस्तंभ क्या होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी भवन में पंच महाभूतों के मिश्रण वाले तीन तत्व वात पित्त कफ से बना है हमारा जो शरीर बना है। किन किन से? पंच महाभूतों से, ये शरीर रूपी जो भवन मिला है पंच महाभूतों के मिश्रण वाले तीन तत्वों से बना है, और शरीर रूपी इस भवन को सुदृढ़ और स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में इसके तीन उपस्तंभ इस प्रकार बताए गए हैं, वो क्या है हमारे? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीन इसके मान लो ये पिलर है। ठीक है, जिस प्रकार किसी भवन को स्थिर खड़ा करने के लिए उसके आधार स्तंभों का महत्व होता है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने के लिए इन उपस्तंभों का भी महत्व है। अब पढ़ते हैं आहार क्या होता है। आहार उपनिषद में आहार कल करा दीजिए जी, अरे तीन पेज रह गए, थोड़ा सा रह गया जी, करा दीजिए फिर ये पीडीएफ, फिर कल इसमें काम नहीं चलेगा इतनी में, फिर आप दूसरी भी बनानी पड़ेगी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आहार आहार पढ़ते हैं, उपनिषदों में आहार के लिए कहा गया अन्नम व प्राण है, अर्थात आहार ही जीवन है। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये लिख रखा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आहार से शरीर के दोष वात पित्त कफ धातु, सात धातु हो गई, मलों का पोषण और प्राणों की वृद्धि होती है, और सामान्यतः प्रचलित भी है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात आहार का सीधा संबंध हमारी इंद्रियां व मन से है। ऋषि चरक के अनुसार कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो ऋषि वाग्भट जी कहते हैं, इससे पहले हमने स्वस्थ की दो परिभाषाएं पढ़ ली है, शुश्रु संहिता के अनुसार भी और चरक संहिता के अनुसार भी। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं वाग्भट ऋषि जी क्या परिभाषा देते हैं स्वास्थ्य की। ऋषि चरक पूछते हैं कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो ऋषि वाग्भट जी कहते हैं हितमुख और मुख, ये तीन व्यक्ति जो होते हैं, ये जिनके अंदर ये तीन गुण होते हैं वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। हितमुख पढ़ते हैं क्या होता है, प्रकृति के अनुसार हितकारी भोजन करना। जी, हितमुख होता है या हितभुक होता है? मुख होता है जी, मुख होता है, मुख हितमुख होता है,
प्रकृति के अनुसार हितकारी भोजन करना। मान लो आपको पता है कि आपकी कफ की प्रकृति है और फिर भी आप ऐसी चीजें खाए जा रहे हैं, जैसे किसी को साइनस है, उसको पता है भाई ठंडी चीजें खाने से उसका कफ बढ़ेगा, फिर भी वो आइसक्रीम वगैरह वगैरह चीजें या ऐसे शिकंजी कुछ भी, मतलब उसको ओपोजिट खाना खा रहा है उसकी प्रकृति के, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। प्रकृति के अनुसार हितकारी भोजन करना, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। मितमुख, मितमुख को आप मिताहारी कह सकते हैं, उचित मात्रा में भोजन करना, ओवर ईटिंग ना करना, उसको बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति। ऋतमुख, उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऋतु के अनुसार मत समझिएगा इसको, उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन, ऐसा नहीं हो कि छीना छपटी से आया हुआ भोजन हो या तामसिक तरीके से कमाया हुआ भोजन हो, ठीक है, छल कपट से कमाया हुआ भोजन हो, वो भोजन हमें नहीं चाहिए। अगर ये तीनों गुण है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, ये ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं। विपरीत रूप में, इसके विपरीत रूप में भोजन करने वाला अनेक कष्टकार रोगों से ग्रस्त हो जाता है। किसके विपरीत? हितमुख, मितमुख और ऋतमुख, इनके विपरीत अगर कोई भी भोजन करता है तो वो कष्टकार रोगों से ग्रस्त हो जाता है वो व्यक्ति, ठीक है। यहाँ हम आहार पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं निद्रा को। निद्रा एक उन्नत क्रिया है, इसका निर्माण विषयक स्थिति, निद्रा एक उन्नत क्रिया है, क्रिया निर्माण विषयक स्थिति है, जो विकास कार्य पर जोर देती है, जो क्या करती है, ग्रोथ कराती है बॉडी की। नींद या निद्रा के अच्छे होने पर इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मांसपेशी जो प्रणाली है वो खुद को रिपेयर करती है। नींद एक ऐसी है, ये जरूरी है, चाहिए, सबको चाहिए और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आप युवावस्था में तकरीबन सभी हैं तो अपनी नींद को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, नींद के, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं खुद इस चीज का भुगत भोगी हूँ, जो दो दो चार चार घंटे सोता था पूरे दिन में, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी, अब धीरे धीरे वो कवर कर रहा हूँ उनको। तो आप लोग भी अगर कोई ऐसा है तो आप 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। शिशु की नींद जो होती है वो 18 से 20 घंटे की होती है और व्यस्क की जो नींद होती है वो 6 से 8 घंटे की, 6 से 8 इतना आप लेना चाहिए, जरूरी है ये आपके लिए, चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है जी। आप कोई भी चेंज करिए, खाना जल्दी खाइए, बदलिए अपनी कोई भी, अपनी आदतों को बदलिए, पर 6 से 8 घंटे की नींद जरूर से जरूर लेने की कोशिश करिए। उचित समय पर गाढ़ी नींद लेने से प्रसन्नता, पुष्टि, शक्ति, पौरुष, ओज, तेज, कांति, ज्ञान और आयु की वृद्धि होती है। देखो यहाँ लिख दिया ना, उचित समय पर गाढ़ी नींद लेने से प्रसन्नता होती है, आयु की वृद्धि होती है। अगर लंबे समय तक जीना आपने तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको जरूरी है, वो चाहिए चाहिए, लेनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, एक शॉर्टकट है, अगर आप योग निद्रा करते हैं तो इसका टाइम थोड़ा और आप कम कर सकते हैं, 6 से और आप 4.5 घंटे में आप काम चला सकते हैं अपनी नींद का, पर वो नींद आपकी प्रॉपर, जिसको बोलते हैं साउंडलेस स्लीप, वो होनी चाहिए। इसके विपरीत, नींद ना आने के कारण मनुष्य कमजोर, दुबला पतला, निस्तेज, नपुंसक, जड़ बुद्धि और मानसिक रूप से दुखी व चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ये इसके मुख्य कारण होते हैं और ये सच्चाई है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को डर भी लगने लग जाता है, एकांत पसंद होता है, उसको नींद बिल्कुल नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की तरफ चला जाता है और नशे करके ही थोड़ा बहुत नींद वो कवर करता है अपनी, अदरवाइज उसको नींद नहीं आती, 3-3 घंटे, मतलब 3-3 दिन लगातार हो जाते व्यक्ति को सोता नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों में भी, आदमियों में ही होता है, लड़कियों में भी होता है ऐसा। तो आप अगर, आपके कोई भी नॉन में है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, उनको समझाइए, जरूरी है, आप अपना व्यवहार बदलिए, आपके टच वाले अपने आप आपको देख के सीख जाएंगे, आपके बच्चे हैं वो अपने आप सीख जाएंगे आपसे। सामान्य से कम या ज्यादा नींद का आना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी को याद हो तो भगवद गीता में, श्रीमद भगवद गीता में कहा गया है, एक श्लोक है, किसी को याद? सर वो युक्ताहार विहारस्य। जी जी जी, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन, उसमें आते ना, युक्त नींद होनी चाहिए, युक्त सौपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः।
तो सामान्य से कम या ज्यादा नींद लेने से दोनों से ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और आपने हट प्रदीपिका घेरण संहिता में पढ़ेंगे, जो व्यक्ति बिल्कुल ज्यादा सोता है या बिल्कुल कम सोता है, उनका दोनों का योग सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, निद्रा रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है। एक होती है दिनचर्या, एक रात्रिचर्या होती है, एक ऋतुचर्या होती है। इनको आप आगे पढ़ेंगे तो निद्रा जो होती है वो रात्रिचर्या के अंतर्गत आती है। बस थोड़ा सा रह गया। महर्षि चरक के अनुसार निद्रा जब मन के कला अंत हो जाने पर क्रियाशील इंद्रियां भी कलांत यानी स्थिर हो जाती है। मन स्थिर होता है तो हमें हमारी इंद्रियां वो भी स्थिर हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हम नींद की तरफ चल जाते हैं। जब इंद्रियां भी क्लांत हो जाती हैं हमारी और अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य निद्रा को प्राप्त करता है, अर्थात सो जाता है व्यक्ति। जब मन हमारा धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, विचार मन में कम आने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी और इंद्रियां हैं वो भी स्थिर होने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनसे निवृत्त हो जाती है, विषयों से डिटैचमेंट हो जाती है, तब मनुष्य को नींद की तरफ चला जाता है, नींद को प्राप्त करता है, निद्रा को प्राप्त करता है, व्यक्ति सो जाता है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार निद्रा क्या है? हृदय देहधारी जीवों का चेतना स्थल है और हृदय के तमोमी भूत होने से उन्हें निद्रा का अनुभव होता है। ये हमने पढ़ लिया कि कफ के कारण तमो भाव होने से हमें निद्रा आती है, आलस आता है। ठीक है, ये हमने कफ के लक्षण में पढ़ा था। निद्रा का हेतु, हेतु होता है तम, और उसका जागरण का हेतु होता है वो होता है सत्व। हेतु का पता है आपको क्या होता है? हेतु कारण, हेतु कारण। ठीक है, तो निद्रा का जो कारण होता है वो तम भाव होता है। यहाँ पे यही कहा गया, हृदय के तमो भी होता है उनसे, उसमें तामसिक प्रवृत्ति आने से उसके कारण से उसे निद्रा आ जाती है। और जागरण का जो कारण होता है वो सत्व प्रकृति, सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति को नींद थोड़ी कम आती है। निद्रा के प्रकार, निद्रा के छह प्रकार हैं। इन छह प्रकार को आप याद कर लीजिएगा, आगे पीछे करके सीक्वेंस में लगाना ऐसे आ सकता है। तमो भाव निद्रा, जो तम प्रधान निद्रा होती है उसका मूल होता है पाप का मूल होता है। तमो भाव यानी कि तामसिक भाव से जो निद्रा आती है। श्लेष्मा युक्त निद्रा, जिस व्यक्ति का कफ ज्यादा हो जाता है उनको नींद ज्यादा आती है, तो कफ के कारण जो नींद आती है उसको श्लेष्मा युक्त निद्रा बोलते हैं। मन शरीर श्रम युक्त निद्रा, जब हम ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं उससे हमारा शरीर थक जाता है, शरीर मन जब थक जाते हैं जो उससे नींद आती है उसको हम मन श्री श्रम युक्त निद्रा बोलते हैं। आंगतुकी निद्रा, जब हम कुछ समय के लिए खाली होते हैं कार्य से तब जो नींद आती है उसको हम, जिसको क्या बोलते हैं, कुर्सी बैठे बैठे सो गया, क्या बोलते हैं उसको, स्नैप, नैपी, नैपी क्या बोलते हैं, नैप, कोई बताएगा, नैप, जैसे चेयर पे सो गया, थोड़ी आधा 10 मिनट का सफर है बस में सो गया। जब हम कुछ समय के लिए खाली होते हैं कार्य से तब जो नींद आते है उसको आंगतुकी निद्रा बोलते हैं। ठीक है, झपकी आना, 2-3-5 मिनट के लिए आदमी सो गया। जैसे हम किसी से बात करें, बात करते तीन आदमी है, हम दो आपस में बात करते, तीसरा इतनी देर में सो गया, तो उसको हम आंगतुकी निद्रा बोलते हैं। व्याख्युति निद्रा, इसको व्याधि युक्त निद्रा बोलते हैं। व्याधि मतलब शारीरिक आदि व्याधि अपने, हाँ शारीरिक पीड़ा, कार्य पूरा न होने पर गुस्सा आता, गुस्से को शांत करने के लिए या रोग के कारण जो निद्रा आती है उसको हम व्याधि युक्त निद्रा या व्याख्युति निद्रा बोलते हैं। ठीक है, पांच प्रकार की निद्रा होगी। छठी है प्राकृतिक निद्रा, इसको भूत धात्री निद्रा बोलते हैं। भूत धात्री मतलब रात, धात्री मतलब धारण करना, रात्रि में जो स्वाभाविक नींद आती है जो हम सभी को आती है उसे भूत धात्री निद्रा कहते हैं। ये हमारी छह प्रकार की निद्राएं होगी। बस थोड़ा यही रह गया बस। ब्रह्मचर्य, संयम पूर्वक जीवन रखते हुए ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य को विशेषतः रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसका पाचन होने के बाद उसका सार भाग जो है उससे सात धातुएं बनती है और उन्हीं धातुओं में से सबसे आखिरी की और सबसे मुख्य धातु है उसको वीर्य कहा जाता है या रज भी कहा जाता है। शुक्र कहा जाता है मेल्स में और रज कहा जाता है फीमेल्स में। उसे जो उसी को उसका बचाव करना ही ब्रह्मचर्य है। देखिए, आप कहीं भी मान लो कहीं आप किसी के शिष्य बनेंगे या कोई संत महात्मा आपको आपके नॉन में हो टच में हो तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप सन्यासी जीवन जियो। सब आपको ये बोलेंगे आप ना गृहस्थ जीवन जियो।
और इसमें हम लोगों को ब्रह्मचर्य से मतलब ये होता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में जितना हो सके उतना रखें, लेकिन यहाँ पे देखो ये कहा गया है संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य। शादी कीजिए पर संयम पूर्वक रहिए, ठीक है जी। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का बल इसी शुक्र व रज धातु पर आधारित होते हैं। शरीर में जो सबसे ज्यादा बल बनता है वो इन्हीं चीजों से बनता है, किन से? शुक्र से या रज से। और आप उपनिषद में पढ़ेंगे, और आपने खेचरी मुद्रा पढ़ी है हट प्रदीपिका में? अभी सर, देखो ये वहीं से लिया गया, मरण बिंदु पाते न जीवन बिंदु धारणात्, ऊपर से रस टपकता सोममंडल में जाके उसका भाषण हो जाता है। पढ़ी थी ना खेचरी मुद्रा, जीव को उल्टा करके ऊपर से उसका पान नीचे नहीं गिरने देना, उसको हमने रखना है पान करना उसका। मरण बिंदु पातेन, बिंदु का गिरना मतलब मरना है, और जीवन बिंदु धारणा, उस बिंदु को जो ऊपर से रस आ रहा उसको धारण करना ही जीवन है। अर्थात बिंदु धारण करने से जीवन की वृद्धि होती है, और बिंदु पात से जीवन का शरण होता है, क्षय होता है, शरण होता है, मरण की तरफ जाता व्यक्ति। ठीक है, जो जितना इस ब्रह्मचर्य के विपरीत जीवन जीता है उसकी, देखो यहाँ लिखा है बिंदु पातन से जीवन का शरण होता है, वो और मृत्यु के उतना नजदीक चला जाता है। ठीक है, आप में से कोई ग्रस्त जीवन है जो अपना ग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो अपना संयम पूर्वक जिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ब्रह्मचर्य धारण करने से व्यक्ति ओजस्वी तेजस्वी प्रज्ञावान बलवान होता है। ऊपर भी हमने पढ़ा ना शरीर का बल जो होता है वो शुक्र और रज पर निर्धारित होता है, इधर भी यही कहा ब्रह्मचर्य अगर आपने धारण कर लिया तो आप बलवान होंगे, बहुत आपके अंदर ताकत होगी। ब्रह्मचर्य के विपरीत विलासिता पूर्वक संभोग करने से वीर्य का शरण या नाश होता है, अतः बल का नाश होता है, अतः मृत्यु की तरफ आदमी जाता है। आप जहां भी जाएंगे ब्रह्मचर्य आपको पढ़ने में मिलेगा, जहां भी योग का कोई भी टेक्स्ट उठा लीजिए, चाहे आप उपनिषद उठा लीजिएगा, चाहे आप वैसे योगी टेक्स्ट उठा लीजिए, कोई भी टेक्स्ट उठाएंगे तो ब्रह्मचर्य का महत्व आपको हर जगह मिलेगा। जब आप प्रश्न उपनिषद में पढ़ेंगे ना तो उसमें भी यही बताया मिलेगा आपको। वेदों में कहा गया है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पाधनतः, अर्थात ब्रह्मचर्य के बल पर देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था, अर्थात मृत्यु को भी जीत लिया था, इतनी ताकत होती है ब्रह्मचर्य में। यहाँ आपने एक जगह पढ़ा था, हाँ, ब्रह्मचर्य धारण करने से व्यक्ति ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, प्रज्ञावान बनता है। आप किसी ऐसे आदमी को देखेंगे ना, साधु महात्मा को, जो सच्चा संत होगा, तो उसके चेहरे पे अलग से एक चमक होती है, उसको ओज बोलते हैं। ओज से ऊपर थोड़ा सा वो तेज होता है, उसको तेज बोलते हैं, ओजस्वी तेजस्वी ओज होता है। ओज तब बनता है जब ये ब्रह्मचर्य का धारण अच्छे से होता है, तब आदमी में ओज आता, वो आसानी से नहीं आता, बहुत किसी रेयर में आता है। ओज के बाद उससे भी ऊपर होता है एक तेज होता है, और फिर उससे आदमी का जो ओरा बनता है, मैंने एक पहली क्लास में भी आपको बताया था, ओरा आता है, मतलब आप किसी के सामने बैठेंगे तो आपका ये लगेगा था ओहो कितना सुखी जीवन है, बस अब से घर जाना नहीं यहीं रहना है। तो वो जो उसका ओरा है ना, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी तरफ, संत महात्मा की तरफ, वो ओरा ही उसका ओज होता है या तेज होता है। ये किसी किसी में आता है, और यहाँ हमारा वात पित्त कफ का जो टॉपिक था वो कम खत्म होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें उनके संबंधों को। अब यहाँ की क्लास से रिलेटेड आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो, कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है जी? अच्छा जी बताइए। सर मुझे आज की क्लास से तो डाउट नहीं है, पर जब सर जो कल आपने प्राण का सीक्वेंस बताया था ना, तो सर वो मैंने शायद घेरण संहिता में पढ़ा है कि प्राण अपान समान उदान व्यान, ये सही है? या कल आपने बताया था प्राण अपान उदान समान व्यान,
सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मुझको बस। मैंने आपको कल क्या बताया था? सर आपने कल बताया था प्राण, अपान, उदान, समान और फिर व्यान। प्राण, अपान, फिर उदान था सर। हाँ, फिर समान, फिर व्यान। फिर व्यान ऐसे ही सर, होता है। अच्छा सर, मैंने क्योंकि ये देखा, मैंने शायद मैं ही गलत हूँ, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, थर्ड नंबर पे समान आ रहा है, मैं इसमें कंफ्यूजन हो रही थी सर। थर्ड नंबर पे आपने बोला प्राण। हेलो, हाँ जी, प्राण, अपान, हाँ, फिर समान। हाँ, प्राण, अपान, नहीं ऐसे तो नहीं होता जी। अच्छा सर, सर इसी में मुझे कंफ्यूजन है बस सर। ओके सर, समान फोर्थ नंबर पे आएगा, समान। ओके आप चेक कर लीजिएगा। ओके सर, हाँ ऐसे अगर नॉर्मली पूछा जाए तो सीक्वेंस ये होता है, ठीक है। पर अगर आपको पूछा जाए कि आप शरीर के अनुसार ऊपर से नीचे बताओ, तो उसमें फिर आपको ये चेंज हो जाएंगे। ओके, हाँ जी, ठीक, ठीक है जी। ओके सर जी, और किसी का कोई डाउट हो आज कल परसों तरसों की क्लास से, पीछे वाली कोई भी क्लास से? सर ये जो नोट्स की पीडीएफ है, ये हमें मिलेगी या हमें खुद से ही नोट्स बनाने हैं? पूनम जी सब मिल चुके हैं आपकी पहली क्लास से, दोबारा भेज, कोई बात नहीं, दोबारा भेज देंगे, सब मिलती है आपको, ये मिलेगी। ओके जी, पर आप पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, फिर अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मेरे नोट्स आप देखेंगे वो आपके लिए एक बुक की तरह काम करेंगे। आप खुद से पहले समझिए, फिर आप इसको कोशिश करिए और छोटा लिखने की, अपनी समझ के अनुसार और छोटा, मेन मेन पॉइंट इसमें से भी निकाल के और छोटा करने की कोशिश करिएगा, तब आपको वो आपकी स्मृति में चिपक जाएगा। फिर आपको कहीं भी अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एक फिल्म की तरह चलेगा, फिर आप भूलेंगे नहीं उसको। ओके ओके जी जी, और कोई बोल रहा था?